हेलो बॉस। तो अभी हम आए हैं मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क। ये बग्गी, इसको बग्गी कहते हैं। ये 50 रुपये पर पर्सन पड़ता है, 2 पर्सन का 100 रुपया। साथ ही मुझे बस का टिकट ऑनलाइन कराना पड़ा, क्योंकि अंदर जाके मुझे बस से शेयर करना पड़ेगा, बस से मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो कहते हैं कि वो खुले जगह है तो शेर जंगली जानवर का डर है। तो साथ में हम चलेंगे, तो अभी हमारा टिकट कट रहा है और अभी हम यहाँ से बग्गी लेके जाने वाले हैं। तो एक तो वो बग्गी का टिकट काटने के लिए गई है, तो चलो उनको आने दो, फिर हम इधर से निकलते हैं। और देखो बहुत सारे बसेस हैं, ठीक है। ये देखो ये सारे जितने भी बहनें सारे जाते हैं। तो ये देखो ये मैडम आ रही है, तो ये मुझे लेके जाएंगी। तो ये है हमारा टिकट। तो देखो भाई, हमने यहाँ से ये बग्गी ली और अब हम इधर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इधर से एंट्री पॉइंट है और देखो इधर से जो है मैंने आया इधर से, और चलो चलते इधर। तो देखो ये मैडम मुझे लेकर जा रही है अंदर की ओर, और काफ़ी सारे बसेस लगे हुए इधर। तो ये देखो इधर से जंगल स्टार्ट हो गया। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, ये संजय गांधी नेशनल पार्क बोरेवली मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलो अभी झंडे को स्टार्ट करते हैं। देखो कितने सारे लोग देख के भी आ रहे हैं, अच्छा व्यू है। हमारा झंडे चालू हो चुका है और मैं भी जा रहा हूँ। तो गाइस ऐसे देख रहा बग्गी फूल हो चुका जल्दी है। जल्दी। ये देखो ये म्यूजियम है, अभी हम म्यूजियम में चलेंगे, अभी देखेंगे म्यूजियम में है क्या, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा हमें। तो गाइस ये देखिए ये है म्यूजियम, लेकिन ये क्या है ना कि ये उनको ऐसे चिपका के रख दिया गया। अभी पंछी का नाम भी है, ठीक है, जैसे हमारे ये उल्लू है, ठीक है। ये देखो बाज है, मच्छी लेकर पकड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं इसको कैसा इसे संरक्षित रखा है, ठीक है। तो ये सूख गए हैं, ये जिंदा नहीं है भाई, एक भी जिंदा नहीं है। ये देखो इनको कैसे, तो केमिकल बेसिस पे रखे हुए हैं। हाँ बराबर है, ये आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली रियल है, लेकिन ये सूखे हुए मरे हुए हैं निर्जीव। ये देखो इधर भी बहुत सारे हैं, है ना। तो ये हमारा हमें छोटा सा म्यूजियम देखने को मिला। अब इसमें देखो ये क्या है, चीता ना, देखो। तो फिलहाल ना मुझे तो रियल का तो नहीं, लेकिन अभी ऐसे बोलूँ तो ये भी रियल है, बट ये जीवित नहीं, ये मरा हुआ है, लेकिन इनको संरक्षित रखा है ऐसा करके। इधर सारे असली हैं एक्चुअली, लेकिन बोलू ना, देखो ये रियल है लेकिन ये मरे हुए, बस इनको संरक्षित रखा गया कि इन फ्यूचर कभी विलुप्त हो जाए तो ये दिखाएंगे कि ऐसा हुआ करता था, जैसे हमारा डायनासोर कि हाँ ऐसा होता था, तो वैसा दिखाएंगे। ये देखो इधर भी है, ये छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे मर गए हैं। ये देखो, लेकिन कैसे इसको खड़े रखे हैं तो बहुत मुश्किल काम है, खेर रखा है। और इधर देखो ये देखो ये उल्लू है, इसे रियल रेट ये है कि ऐसे हुआ करता था, गिद्ध बड़े बड़े गिद्ध हुआ करते थे। ये देखो मोटा रोहित है कुछ करके लिखा है। ये देखो लायन, ये भी मरे हुए हैं, लेकिन इनको कहा है कि संरक्षित रखा है। ये सर्प भी देखो, ठीक है ना, ये देखो लायन भाई, इसको खड़ा कर दिया ना, मरा नहीं है।
इसको बनाया गया है? नहीं, ये मरा हुआ ही है, लेकिन इसको संरक्षित रखा गया है। दिस इज नॉट आर्टिफिशियल। तो हमारा म्यूजियम का टूर अभी इधर छोटा वाला खत्म हो गया। अभी हम निकलेंगे और एक म्यूजियम चलेंगे। अब उस म्यूजियम में हमें क्या क्या मिलता है देखने को, चलते हैं। फिर हमारे साथ दे रहे करण, और देखो मेरे साथ करण है, और अभी हम दूसरे म्यूजियम में चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी हम यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और दूसरे म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। ये पिग है, ये बुलेट ट्रेन है, ये पिग नहीं। तो ये देखो ब्लैक पैंथर है, सबसे ठीक है, ये सब रियल है, ठीक है। इनको सिर्फ फिशिंग कैट है, ये कैट प्रजाति के भी हैं सारे, सब कैट चीता वाला कैट, ठीक है। ये सारे खूंखार होते हैं, जंगल कैट है वो, जंगल कैट देखो, ठीक है। तो भाई कैसे हैं? चलो और देखते क्या है। तो गाइस फिलहाल हम इस म्यूजियम से भी बाहर निकल चुके हैं और चल रहे हैं, अभी हम बस लेंगे और बस लेके चलते हैं और फिर देखते हैं जो रियल लायन मुझे देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने दो म्यूजियम घूमा, देखा ही आपने कि क्या मैंने देखा और क्या आपको दिखाया। अभी हम चलो बस लेते हैं और इधर से फिर चलेंगे बस लेके शेर देखने के लिए। अब भी जो हम देखेंगे वो रियल देखेंगे, क्या दिखेगा चलो। गाइस हमने फाइनली 248 का दो पर्सन का टिकट कटाया, 1 पर्सन 124 पड़ रहा है। तो चलो अभी हम लाइन पास से हमारे बस आएंगे और ये देखो सारे लाइन पे हैं, मैं भी इधर लाइन पे लगता हूँ और इजहर से मुझे रिसीव करेगा और अब मैं जाऊँगा लायन एंड टाइगर्स देखने को। फिर हम चल देते हैं इधर से आगे की ओर और फिर देखते हैं आगे। फिर से मुझे हिरन देखने को मिला। ये देखो गाइस एक ये लोकेशन है, फोटो शूट के लिए अच्छा है, बाद बाकी तो आपने देखा ही क्या आपको क्या देखने को मिला, ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, ठीक है। ये देखो अच्छा लोकेशन है फोटो शूट के लिए। ये देखो भाई ये है कछुआ। तो गाइस आपने देखा ही कि आप को क्या देखने को मिला, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फिर मुझे डियर और लायन देखने को मिला, वो भी बस में पिंजड़े के अंदर थोड़ा सा,
ठीक है। तो ऐसा जू थोड़ा होता है यार, जू का मतलब हमें सारे जानवर देखने को मिले, ठीक है, ओपनली, ठीक है। जो डेंजर है वो सिर्फ पिंजरे के अंदर रहते हैं, बाकी सारे तो ओपन रहते हैं। पहले मैंने रांची में एक बिरसा मुंडा जू देखा था, तो उसमें बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिला था। यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो मैं लिंक डालता हूँ उस पर, आप देख लेना, ठीक है। चलो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, और एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।